मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस किरण गोस्वामी, एम एस सी इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। टुडे वी विल सी अबाउट द 15th यूनिट, दैट इज़ व्हाट, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ओके, सो फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर द टॉपिक्स आर देयर इन द यूनिट। ओके, हियर सम टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट इज़ व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ओके, सेकेंड इज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। थर्ड इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन वर्सेज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। Then models of prevention in psychiatry, then mental health services, then mental health agencies and mental health nursing issues for a special population like children, adolescents, women and elderly victims of violence and abuse. Okay, so these all topics we have to see in community mental health nursing. Okay, so first topic we will start, that is about the development of community mental health services. Okay, in short we will see that it's not much important, but we have to see that. Okay, development of community mental health in India. So firstly we have to see that what is community mental health nursing. Okay, here the method of training treating mental illness have changed dramatically in the past centuries. Community mental health as a treatment philosophy was mandated by the Community Mental Health Center Act of 1963, thus bringing about the shift of, here you have to focus, okay, bringing about the shift of mental health care from the institution to the community and heralding the era of the deinstitutionalization. Okay, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो mental health care है, जो mental health services है, वो shift किया गया है कहाँ से कहाँ तक, from the institutionalization to the deinstitutionalization. Okay, institutionalization that means institute मतलब hospitals, ठीक है, means जो care hospitals में provide किया जाता था उसको shift करके अब कहाँ care provide किया जा रहा है, institution deinstitution में, that is what, community areas में, ठीक है। तो psychiatric hospitals से जब patient थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है और उसको discharge कर दिया जाता है, तब उसका treatment कहाँ provide किया जाता है, कम्युनिटी एरिया में, मतलब कि एट होम में। ओके, सो इट इज़ व्हाट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दैट मीन्स इन हॉस्पिटल, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द कम्युनिटी एंड वेयर द केयर इज प्रोवाइडेड टू द पर्टिकुलर मेंटल इल पेशेंट। ओके, तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या किया जाता है, कम्युनिटी में पेशेंट को मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो इन समराइजेशन वी विल सी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इन इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट देखते हैं समरी में इन अ टेबल। ओके, इट इज़ देयर समरी ऑफ फेजेस ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, यू हैव टू फोकस इन दैट ओनली। सो फर्स्ट हियर फाइव फेजेस आर देयर। फर्स्ट इज वॉट, फेज वन कोलोनियल पीरियड प्रियर टू द इंडियाज अटेनिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, जस्ट इंडिया जब इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था उस टाइम पे क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लुनाटिक असाइलम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे जस्ट जो असाइलम्स थे, ठीक है, पहले हॉस्पिटल को क्या बोला जाता था, असाइलम्स, ठीक है, और जो मेंटल इल पर्सन है उनको क्या बोला जाता था, लुनाटिक्स। ठीक है, तो इनके लिए पहले एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडिपेंडेंस जब इंडिया हुआ था उस टाइम पे मेंटल असाइलम्स का क्या हो गया था, बहुत सारे कंट्रीज़ में इस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, देन सेकेंड इज़ वॉट, ड्यूरिंग फेज 1950s, ठीक है, 1950s में क्या हुआ था, इस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल एट बेंगलोर, अमृतसर, हैदराबाद, श्रीनगर एंड जामनगर एंड ऑल्सो दिल्ली। ठीक है, तो इन सारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल्स स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे असाइलम्स को क्या बोला जा रहा है, हॉस्पिटल्स। ओके, देन फेज़ थ्री में क्या हुआ था, ड्यूरिंग मिड 60s ग्रोथ ऑफ जनरल हॉस्पिटल साइकेट्रिक यूनिट्स। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल और साइकेट्रिक यूनिट्स का क्या हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ग्रोथ हुआ था। और देन फेजेस ड्यूरिंग 1970s क्या हुआ था, दैट इज़ फोर्थ फेज। ओके, एक्सटेंशन ऑफ केयर फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल एंड जनरल हॉस्पिटल टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड द कम्युनिटी। ठीक है, पहले क्या किया जाता था, सिर्फ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और जनरल हॉस्पिटल है वहीं सिर्फ मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता था ना, लेकिन 1970 तक क्या किया था, इनको PSC CSC में भी प्रोवाइड किया जाना स्टार्ट हो गया। ओके, देन बेंगलोर एंड चंडीगढ़ इनिशिएटेड
pilot programs to develop and evaluate an extension of the mental health services for the rural unprivileged population. ठीक है, underprivileged means rural population के लिए भी इन लोग क्या किए थे, services देना start किए थे. Okay, then in the fifth phase during 1990s what happened, substantial increase in funding and improvements in the conditions of many mental हॉस्पिटल्स. ठीक है, फंडिंग इम्प्रूवमेंट्स किए, बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स अच्छे से नहीं इस्टेब्लिश थे, ग्रोथ नहीं हुआ था, तो उनके लिए फंडिंग स्टार्ट किया गया. ठीक है, और उनको इम्प्रूव किया गया, उनके कंडीशंस को. ठीक है, देन वॉलेंट्री एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. ठीक है, देन मीन्स ये सब जो गवर्नमेंट है ना, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, वो सब भी फंड देना स्टार्ट किए मेंटल हॉस्पिटल्स के लिए. देन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन साइकेट्रिक सर्विसेज. ठीक है, साइकेट्रिक सर्विसेज से भी रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर बनने स्टार्ट हुए. ठीक है, क्लिनिक वगैरह. देन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट. ठीक है, और बहुत सारे डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट भी बनने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, मतलब कि इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए उन लोग. ठीक है, सो दीज ऑल आर अबाउट दी समरी ऑफ फेजेस ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट इन इंडिया. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.